पेड़ पौधे हमारी धरती की एक अनमोल धरोहर हैं। इनके बिना जीवन असंभव है। इनकी वजह से ही हम धरती पर सांस ले पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। पेड़ पौधे खुद जहर पीते हैं ताकि हम और आप जिंदा रह सकें। पेड़ पौधे जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन के रूप में जीवन दान देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी सांसों का ये सप्लायर भी अब प्रदूषण की वजह से बीमार हो रहा है। हम सभी को जिंदा रखने वाले पेड़ों की सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन दिल्ली के पेड़ों और दिल्ली वालों को जहरीली हवा से बचाने के लिए पेड़ों का एक मशीनी अवतार आ गया है, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। एम्स में सिर्फ मरीजों की बीमारी का इलाज नहीं है, पोल्यूशन का भी इलाज है। इस वक्त एम्स में जहां मैं खड़ी हूं, वहां आप ये कल्प वृक्ष देख सकते हैं। इसको नाम भी कल्प वृक्ष दिया गया है और साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। हालांकि ये इलाज किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि बायोफ्यूल की फील्ड में काम करने वाले अतुल ने तलाशा है। हम लोग इसके ऊपर करीब पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं कि हवा के अंदर से पॉल्यूटेंट्स को हम निकाल के उससे हम कैसे फ्यूल बना सकते हैं। यहाँ पे जब हम एम्स में आए थे तो हमें पता लगा यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स और पेशेंट्स मिला के करीब 50,000 लोग रोज यहाँ पे होते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया कि इसके लिए करीब 4 लाख लीटर हवा उनको चाहिए हर मिनट, जो साफ हवा मिले। इसकी रिजर्व कैपेसिटी 6 लाख लीटर जो हर मिनट में ये इनहेल करता है कल्प वृक्ष, और इसमें से 4 लाख लीटर हम लोग साफ करके बाहर रिलीज कर देते हैं। नेचुरल तरीके से हवा साफ करने के लिए एम्स में कल्प वृक्ष लगाया गया है, जो अस्पताल परिसर को पोल्यूशन से मुक्त रखेगा। इस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से पानी हवा को अपनी तरफ खींचता है और गंदगी को सोख लेता है। हवा साफ करने के कई तरीकों जैसे पौधों, पानी और कैटालिटिक कन्वर्टर तकनीक को मिक्स करके इस सिस्टम को तैयार किया गया है। ये सिस्टम हवा में मौजूद PM2.5 के साथ साथ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और बैक्टीरिया तक को हवा से साफ कर देता है। इस सिस्टम में एक नैनो फिल्टर भी लगाया गया है जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया को मार सकता है। ये हर मिनट 4 लाख लीटर हवा साफ करके छोड़ने में सक्षम है, जो एम्स में एक साथ 50,000 लोगों को पोल्यूशन फ्री हवा उपलब्ध करा रहा है। बनाने वालों का दावा है कि एम्स के 1 किलोमीटर के दायरे की हवा हर वक्त साफ की जा रही है। दावा ये भी है कि सिस्टम लगाए जाने के बाद यहाँ की हवा को पर्यावरण मंत्रालय की लैब से चेक करवाया गया, जिसमें प्रदूषण का लेवल 0 पाया गया। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की अप्रूव्ड लेबोरेटरी है, उसको हमने बुला के अपने हवा के सैंपल दिए थे। हमने एम्बियंट एयर के सैंपल उनको दिए कि जो बाहर हवा है वो क्या क्वालिटी की है। उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर वो वेरी पुअर शो कर रहे थे, और जो यहाँ से सैंपल उन्होंने लेके टेस्ट किया, इसमें पार्टिकुलेट मैटर 0 आ रहा है। इसमें PM1 भी 0 है, PM2.5, PM10 सब 0 है, और सॉक्स और नॉक्स जो और दो मेजर पॉल्यूटेंट हैं वो भी 0.02 एंड 0.03 हैं। कल्प वृक्ष बनाने वाली कंपनी के मुताबिक दिल्ली का प्रदूषण खत्म करने के लिए ऐसे 10,000 सिस्टम्स की जरूरत होगी। एक सिस्टम का खर्च तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। दिल्ली सरकार को इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और ये जो सिस्टम आपने देखा, ये 24 घंटे में 24 करोड़ लीटर तक हवा साफ कर सकता है, जबकि इतनी हवा को नेचुरल तरीके से साफ करने के लिए 1,000 हेक्टेयर पर पीपल के पेड़ लगाने होंगे, तब भी इतनी हवा साफ करने में 1 साल लगेगा। जबकि ये जो सिस्टम है ये केवल 24 घंटे में इतनी हवा साफ कर रहा है, और वो भी सिर्फ 100 वर्ग मीटर एरिया को घेर कर।